that little mouse, cause I'm an albatross. नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे और उम्मीद है सभी अपने अपने सेफ्टी प्रिकॉशन से चल रहे होंगे। प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। अभी आज की डेट में पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज़्यादा केस आ चुके हैं। 20,000 बहुत बड़ी, सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं कोरोना वायरस के। ऐसे केसेस में बिल्कुल आप लापरवाही ना बरतें और ध्यान रखें। तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको दिखाया था कि बामनहेड़ी स्टेशन पे, बामनहेड़ी से देवबंद सेक्शन के लिए जो डबलिंग इस पे हुई है, वो इन्होंने उसका CRS कंप्लीट कर दिया था डबलिंग का। और लेकिन उसके बाद इसमें धीरे धीरे कमी दूर करते रहे, क्योंकि न्यू लाइन एकदम फिट थी। न्यू लाइन को इन्होंने अपने पूरा मेजरमेंट से सही करते चला, लेकिन न्यू लाइन से जो ओल्ड लाइन यानी कि जो ऑपरेशनल पहले से लाइन थी, उसमें जो उन्होंने जॉइंट लगाए थे, जॉइंट वो काफ़ी स्टेबल नहीं थे पूरी तरह से। तो उस पर अभी तक कॉशन पे ट्रेनें चल रही हैं। स्टार्टिंग में तो जब ब्लॉक के टाइम पे ये लगभग 10-20 चलती है, अब इसकी लिमिट बढ़ा के 45 कर दी गई है, लेकिन फिर भी ये TSR है। तो ये TSR ऑब्वियसली जॉइंट की वजह से। अब क्या होता है कि इसके लिए इन्होंने मशीन्स मंगाई। मैंने मशीन्स आपको दिखा चुका हूँ इसमें पहले भी, और इसमें प्लेसार इंडिया की मशीन्स हैं, ये ट्रैक्स के लिए मशीन्स हैं। ये दो टाइप की मशीन्स आई हैं इसमें, ये जॉइंट क्लियर करती है और जॉइंट जो है आपके वो प्रॉपर तरीके से आपका मेंटेन करती है। मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सेक्शन जैसे 130 कैपेबल होने वाला है, तो इसको इन्होंने पहले ही, जाहिर सी बात है, अपने हिसाब से बिल्कुल फिट करके चलेंगे। तो अभी क्या होता है कि एक मॉडल आता है BCM 371, ये मॉडल आता है। ये है ट्रैक लिफ्टिंग मशीन है, ये ट्रैक लिफ्टिंग है, और इसमें ये आपका ट्रैक के स्लीपर्स को सेट करने के लिए और उसको लिफ्ट अप करने के लिए और उसकी लाइनिंग करने के लिए मशीन आती है BCM 371। अब 371 जो मशीन है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, आप इसमें वीडियो में देख सकते हैं। ये चार मशीन हैं इसमें, डियोमेटिक इसको ज़रूर कहते हैं। तो डियोमेटिक BCM 371 ये मशीन है। BCM से मतलब क्या है? BCM है बैलेस्ट क्लीनिंग मशीन, या ठीक है, बैलेस्ट क्लीनिंग मशीन। ये BCM मशीन जो है, ये स्लीपर्स को स्पेशली लाइनिंग करके उसके नीचे से, या तो मशीन पिछले वाली जो मशीन आती है हर एक सिचुएशन के हिसाब से, या तो ट्रैक को लिफ्ट कर देती है, स्लीपर्स को लिफ्ट कर देती है ताकि इसके नीचे बैलेस्ट क्लियर हो सके। और मशीन के, दूसरी मशीन के काम ख़त्म होने के बाद उसी बैलेस्ट को उसके नीचे सेट करके उस ट्रैक को थोड़ा लिफ्ट भी कर देती है ताकि स्टेबल हो जाए। ये मोस्टली स्टेबल होने के लिए मशीन बनाई गई है। तो अब इसमें ये आपको इम्पोर्टेंट बात यह है कि दो मशीनें, एक तो BCM 371 मैं आपको बताई चुका हूँ, उसके बाद आती है BCM RM 8092U। ये इसका मॉडल नंबर है, BCM RM 8092U। ये क्या करती है? ये होता ये है कि इसमें ये ट्रैक जो BCM 371 इसमें करके गई है डियोमेटिक, वो ट्रैक को लिफ्ट करके गई है। ट्रैक को लिफ्ट कर देते हैं, स्लीपर्स को थोड़ा लिफ्ट कर देते हैं, बस जैसे लेवल है तो इसको, स्लीपर को थोड़ा लिफ्ट कर देते हैं ताकि इसके नीचे जो बैलेस्ट है वो क्लियर हो जाए। अब वो मशीन आती है जो BCM RM 8092U है, वो बैलेस्ट क्लीनिंग मशीन है, वो एक्स्ट्रा वर्जन में है, वो
नीचे से बैलेस्ट क्लियर करती चलती है, वीडियो में आप ज़रूर देख सकते हैं, नीचे से बैलेस्ट क्लियर करती चलती है, उसके बाद उसी बैलेस्ट को रिसाइकिल करके उसमें से एक्स्ट्रा जो गार्बेज है, जो मिट्टी है, वो बाहर निकाल देती है, जो क्लीन उसमें आपका पत्थर है वो उसमें ट्रैक में दोबारा लिफ्ट कर देती है और उस ट्रैक को दोबारा जॉइंट कर देती है। फिर आती है ये, अब फिर से थर्ड मशीन डियोमेटिक आ जाती है। डियोमेटिक वो इसलिए आ जाती है कि जैसे डियोमेटिक आएगी तो डियोमेटिक का फिर दूसरा काम ये है कि उस ट्रैक को जहाँ से लिफ्ट किया था वहीं ट्रैक को लिफ्ट करके, जैसे माना ये ट्रैक है तो इसमें ट्रैक में स्लीपर में इस तरह से वो नीचे पत्थर सेट करते चले जाते हैं। आप वीडियो में ज़रूर देख सकते हैं, पत्थर सेट करेगी, उसके बाद पत्थर जहाँ पे सेट हो जाएंगे तो उसके बीच में जो अभी दो स्लीपर्स के बीच में फिर भी थोड़ी खाली जगह रह जाती है, उसको बाद में फिर डीएमटी आती है। डीएमटी मतलब डिपार्टमेंटल मटेरियल ट्रेन। उस डीएमटी में आता क्या है, पत्थर आते हैं उसमें, तो वो दोबारा से उसमें पत्थर डाल दिए जाते हैं ताकि ट्रैक आपका बिल्कुल स्टेबल हो जाए। फिर कुछ काम जो है वो जो स्टेशन की गैंग है, गैंग मेट्स और गैंग टीम जो है वो बाकी काम आगे कर देती है। तो ये इनमें बीसीएम मशीन्स का काम है। तो मैंने आपको तीन टाइप बताया, मशीन दो टाइप की हैं लेकिन इनके काम तीन हैं। पहला सबसे आता है ड्यूमेटिक का। ड्यूमेटिक का सबसे पहला काम ये होता है कि ट्रैक को थोड़ा लिफ्ट कर देना ताकि उसके नीचे बैलेस्ट क्लियर हो जाए और बैलेस्ट को निकालने में आसानी हो। दूसरा काम आ जाता है बीसीएम 8092U का, वो बैलेस्ट जो नीचे से क्लियर की थी वो बैलेस्ट को निकाल के उसको रिसाइकिल करके जो उसमें डस्ट थी वो बाहर निकाल के और वो बैलेस्ट दोबारा उसमें सेट करके भर दी जाती है। ये उस 92U का काम है। उसके बाद फिर से ड्यूमेटिक मशीन आती है, उसमें होता ये है कि ये आपका वो फिर से आती है जहाँ से उन्होंने ट्रैक उठाया था और वो जो नया डस्ट निकला उसके से नीचे से जो नई रोड़ी निकली उसको नीचे सेट कर देना होता है। फिर उसमें एक चीज़ स्पेशल होती है, स्पेशल ये कि आप इसमें बहुत कम आप नोट कर पाते होंगे, स्पेशल ये है कि उसके ड्यूमेटिक के पीछे एक व्हील सेट आता है। व्हील सेट को उसमें आप बीसी मशीन में जॉइंट कर देते हैं, जॉइंट करके उसके बाद फिर वो ये देखते हैं कि लाइन कहीं से उठी हुई तो नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे वो लगाते हैं तो वो स्पेशल ये देखते हैं कि लाइन कहीं से उठी हुई तो नहीं है। जहाँ से उठी हुई है फिर उसको वहाँ लेवल किया जाता है। वो व्हील सेट इसीलिए आया कि कहीं लाइन इस तरह से ऐसे हो जाती है कई जगह तो जंप करते हैं तो उससे स्पीड पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है। आपने कभी नोट किया हो कि दिल्ली से मथुरा वाले सेक्शन जो हमारा सबसे हाई स्पीड सेक्शन है अभी तक, और दिल्ली हावड़ा का जो सेक्शन है उस पर कहीं भी ट्रैक इस तरह जंप नहीं करता, कोई भी ट्रेन इस तरह जंप नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ भी ट्रैक जंप करेगा वहाँ ड्यूमेटिक की जरूर पड़ेगी। ये एक तरह से इसको पैकिंग भी बोलते हैं, गैंग की भाषा में जो रेलवे की भाषा है वो इसको पैकिंग भी बोलते हैं। आप वीडियो देख सकते हैं, मैं दोनों की वीडियो इसमें लगा चुका हूँ और ये वीडियो आप देख सकते हैं, आगे की जानकारी ज़रूर मिलेगी। अभी आपका DFC और की देवबंद की काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मेरे पास हैं, आपको बहुत जल्दी ही इनके इनके लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। इस रूट पे बहुत कुछ है सीरियसली, और अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। गुड बाय। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो ये कि कुछ मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि मेरी जो वीडियोस अपलोड होती है उनकी नोटिफिकेशन के पास तक नहीं पहुंच पाती। तो ये मैसेज सभी के लिए है कि एक बार मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब कर दें ताकि उनके ये रिजॉल्व हो जाए इशू। ये काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे, और आप ध्यान रखिए बस इतना।